नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज अरोड़ा और मैं मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में पिछले 9 साल से एज न्यूबॉर्न और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। जिस केस के बारे में अभी बात हो रही है वो बेबी ऑफ ज्योति हैं। ज्योति जी हमारे पास तकरीबन 6.5 महीने की प्रेगनेंसी पे सडन वाटर बैग के ब्रेक होने की वजह से आए थे और इमरजेंसी में इतनी प्रीमेच्योर डिलीवरी जो है वो उस केस में हम लोगों को करनी पड़ी। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी बहुत सहजता से उसको संभाला, बहुत अच्छे से उसको संभाला और केस को जो है वो डिलीवर करवाया। न्यूबॉर्न की हमारी टीम जो न्यूनेटल आईसीयू और नर्सरी संभालते हैं उनको पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि इस तरीके की प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है और इस वजह से हम लोग पहले से हर तरीके के अरेंजमेंट के साथ तैयार थे। तकरीबन 1 किलो के आसपास के वज़न के साथ पैदा हुए दोनों जुड़वा बच्चे जो पैदा हुए उन दोनों को जन्म लेने के बाद इमिजिएटली सांस की काफ़ी तकलीफ़ थी और थोड़ा इन्फेक्शन भी था जिसको सर्फेक्टेंट और वेंटिलेशन की ट्रीटमेंट के साथ मैनेज किया गया। इन्फेक्शन इनमें से एक बच्चे को थोड़ा बीच में ज़्यादा भी हुआ, तकरीबन उनका 1.5 महीने के स्टे के दौरान बीच में ट्विन 2 को थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से सेल्स भी कम हुए जिसकी वजह से उनको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज भी करने पड़े। ब्लड बैंक मणिपाल हॉस्पिटल में हालांकि नहीं है लेकिन हमारी टीम की कोलैबोरेशन हर तरीके के शहर के ब्लड बैंक्स के साथ रहती है और ये अरेंजमेंट्स जो हैं वो हमारी टीम की तरफ से ही किए जाते हैं। सो इसलिए उस ब्लड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी का किसी भी तरीके से बच्चों के ट्रीटमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन ट्रांसफ्यूज करने के बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट होने के बाद दोनों बच्चों का जो सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन लेवल्स हैं वो बहुत बेटर हुए और 1.5 महीने के लंबे संयम और ट्रीटमेंट के बाद हमारी न्यूनेटल टीम की मेहनत और इवन पेरेंट्स की बहुत मेहनत के बाद वो बच्चे आज बिल्कुल स्वस्थ होकर हर पैरामीटर से, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे उनका ब्रेन डेवलपमेंट है, चाहे उनकी आईज डेवलपमेंट है, हर तरीके के पैरामीटर से दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज जो है वो होकर घर जा चुके हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑलमाइटी गॉड का कि एटलीस्ट वो कई सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑलमाइटी की ज़रूरत, साथ में उनका साथ जो है वो चाहिए होता है, वो बहुत रहा और प्लस न्यूनेटल टीम की मेहनत का जिसकी वजह से ये सारा केस जो है वो अच्छे से हैंडल हो पाया। और आई विश ऑल द बेस्ट टू द पेरेंट्स टू हैव अ वेरी हेल्दी एंड फ्यूचर लाइफ। मैं विपन, मेरे वाइफ ने, तो एक्चुअल में हुआ क्या, वी 7 मंथ में इनका वाटर बैग लीक हो गया तो हमें डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया चैतन्या में। तो हम चैतन्या जा रहे थे तो जाते जाते थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, हम यहाँ पे रुके तो हमारी बच्चे यहाँ पे डिलीवरी हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो कहने का मतलब, यहाँ का आपको मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मेन तो सबसे पहले जो डॉक्टर नीरज हैं वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि डॉक्टर नहीं वो भगवान है एक भी। उन्होंने इतना अच्छा हैंडल किया बच्चों को डिलीवरी के बाद, फिर हमारी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हमें बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं थी कि हमें किसी चीज़ की भी कोई टेंशन हो। सर ने बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्रीमैच्योर थे हमारे बच्चे, तो कहने का मतलब भी सर के होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं रही। सारा पहले थोड़ा टाइम निको में रखा, फिर बाद में नर्सरी में शिफ्ट हो गए थे, तो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे केयर हुई नर्सरी में भी, डॉक्टर ने भी केयर की। तो बीच में हमारे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम ही आ गई थी, तो कहने का मतलब सर वहाँ पे ना प्रॉब्लम में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम इनके सेल डाउन आ गए थे मेरे एक लड़के के, तो सेल काफ़ी डाउन थे तो हमें थोड़ी दिक्कत इस बात की आई यहाँ पे हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, 9 ईयर सेल रह चुके थे हमारा बच्चा, जान के ब्लीड करने की कहते हुए ब्लीड कर सकता है इतने में सेल, इतने कम सेल हो तो यहाँ पे हमें ब्लड बैंक की बड़ी दिक्कत आई। पर डॉक्टर नीरज ने वो हैंडल कर ली थी, मैंने फ़ोन करके फटाफट ब्लड सेल वगैरह अरेंज करवाई, सब कुछ करवाया, फिर बहुत भी अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही वो भगवान है मैं फिर बताना चाहता हूँ, फिर बहुत ही अच्छा हैंडल करते हैं सर, तो हमें और किसी बात की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ पे। कहने का मतलब अभी नर्सरी में भी, नर्स भी बहुत अच्छी हैं, फिर सब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे मेरे बच्चों की केयर हुई है यहाँ पे भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ भी बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है भी, मैं बता नहीं सकता भी, हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, हम इतना खुश हैं भी मैं आपको बता नहीं सकता भी। जो मेन तो मैं ज़्यादा कुछ हॉस्पिटल के बारे में बोलता नहीं तो ना ही मेरे को पता है और डॉक्टरों के बारे में, पर मैं डॉक्टर नीरज के बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। अगर
चलो कहीं भी डिलीवरी करवानी हो मैं तो कहूँगा यहीं पे करवाओ, यहीं डॉक्टर साहब को मिलो, यहीं को मिलो, इन्हीं नेज डॉक्टर साहब को मिलो और किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। बच्चे मेरे नर्सरी में थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हम घर पे होते थे, बस फीड लेके आते थे, सर खुद केयर करते थे। जब मर्जी चाहे रात को 12 बजे कॉल करो, 2 बजे कॉल करो, 1 बजे कॉल करो, अब भी जब बच्चे घर पे आ चुके हैं और पहले भी फ़ोन उठाते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, नहीं हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा हॉस्पिटल है, हर चीज़ की केयर है। हाँ जी, मणिपाल हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ से हमें प्यारे प्यारे दो नन्हे मुन्ने बच्चे मिले जो कि अब एक तरह से पूरी तरह हेल्दी हो चुके हैं। इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, परंतु हमें इनकी कोई दिक्कत नहीं है अभी। यहाँ पे सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, नर्सेस ने बच्चों की भी बहुत केयर की है। कुछ टाइम में हमें परेशानी हो जाती थी, जैसे कभी कोई इन्फेक्शन या कभी, बट उन्होंने भी बहुत अच्छे से डील किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। और आज हमारे पास हमारे दो स्वस्थ बच्चे हैं।